हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने हैं एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सॉल्व करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पहली बात कि प्यारे बच्चों कि भैया हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को हम लोग एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को क्या कर लेंगे एक साइड, तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस यही बात ध्यान रखनी भैया, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो हमारा काम हो जाएगा। और हम देखेंगे कि इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है कि भैया इसमें हमें कहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है, भैया ए पार्ट है, ए पार्ट वेरिएबल है, तो इसको बुलाइए एक साइड, क्या होगा ये एक्स बाई टू, यहाँ पर प्लस में है तो आपका माइनस एक्स बाई थ्री आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, या तो ए हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग 1/4 को इधर ही रखते हैं और -1/5 को इधर बुलाएंगे, तो माइनस में है तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, +1/5 हो जाएगा। तो देख लें प्यारे बच्चों, हमारा वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ हो गया, कि यह आपका क्या होगा, वेरिएबल पार्ट हो गया, यह आपका कांस्टेंट पार्ट हो गया। बस हम लोग भैया इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपना, जिस तरह करते हैं बहुत आसान है, इन दोनों के एल से हमारा 6 हो गया और यहाँ पर हमारा 3x-2x आ गया प्यारे बच्चों। उसी तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका एल से हम 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस यहाँ से हम लोग बताया 3 में से हम लोग 2x- कर, तो हमारे x/6 आएगा, यहाँ पर हमारा 9/20 आ रहा है। तो हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो बस एक काम करिए आप लोग 6 को उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा x=9/20 × 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में भैया यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, बस इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने काम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं भैया 2 से 3 आएगा, यहाँ पर हमारा 10 आएगा, तो यहाँ पर 27 भाई आपका 10 आंसर आ गया कि नहीं। बहुत आसान है, बस हम लोग क्या करें कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ करके भैया हमने अपना काम कर लिया। देखिए ये फंडा समझ में आया, तो अभी हम लोग देखिए एक और क्वेश्चन इसी के जस्ट जो बताएं कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, उसी तरीके से हो जाए। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया n/2-3n/4+5n/6=21। तो प्यार जो इसमें देख ही रहे हैं कि भैया सारा वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट तो अकेला है, कोई बात नहीं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा इसका बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ, इसका एलसीएम आएगा 24। तो प्यार जो हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 12n आएगा, माइनस यहाँ पर हम लोग करेंगे बताइए कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 18 यान आएगा, यहाँ पर बच्चों हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 20 यान आएगा। तो बस फिर जो हम इसको ऐड करते हैं कि भैया क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बताइएगा। हाँ, इसको आप लोग हम लोग को देखिए, ये हमारा डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 21 कितना आ बताइए आप लोग, 24। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग सिंप्लीफाई करके जस्ट बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, थोड़ा सा कि कैलकुलेशन पार्ट आप करता है, जल्दी जल्दी हम लोग मैं आप लोगों को और क्वेश्चन बता सकूँ, इसको कर लेंगे ना। जैसे कि इसको देखिए 12 और 20 को ऐड करके हलो -18 से माइनस करते, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो ईमानदारी से आप लोग करिएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। उसमें भी देखिए हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि भैया हम लोग वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, क्या हमें दिया कि x+7-8x/3=17-5x/2। तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, भैया एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल यहाँ पर, एक वेरिएबल यहाँ पर है, तो चलिए एक और बुलाइए, इसको -8x/3 है, ठीक है। +7 को अभी उधर लेते चले गए, ठीक है, यहाँ पर है माइनस में, तो क्या होगा +5x/2=17/6, यहाँ पर +7 है तो इधर आएगा -7 हो जाएगा। चलिए इधर एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, यानी यहाँ पर 6x-16x+ यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 15x=LCM हम लोग ले लेकर बहुत सिंपलीफाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब बताइए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 6 है, यहाँ पर 17-42। अब कहते हैं हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं बिल्कुल, यहाँ से हमारा 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे कि भैया इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे, ये भी हमारा आसान हो गया। तो इसको भी आप लोग सिंप्लीफाई कर ले, देखिए मैं सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ भैया, कैलकुलेशन पर आप लोग करें तो थोड़ा फील आएगा, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन तो सभी लोग कर सकते हैं, बस हमें क्या ध्यान रखना कि हमें कॉन्सेप्ट भैया वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है बच्चों। अब ये हमने बात कर ली क्वेश्चन 3 के बारे में, और बच्चे जो आपके क्वेश्चन क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 5th और क्वेश्चन नंबर 6th या आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसमें भी हमें वही जस्ट काम करना है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7th के बारे में। तो प्यारे बच्चों जिन बच्चों को होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको हम लोग किस में कवर करेंगे होमवर्क वाले सेशन में, तो उसे आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। अब हमारा क्या प्यारे बच्चों, देराम 7th में दिया है कि 3 दिया है, t-3 दिया है, इक्वल टू 5 ऑफ
टू टाइम्स आप टी प्लस वन दिया है। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि भैया पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आसान होगा कि हम लोग कह रहे थ्री टी माइनस नाइन इजक्ल टू टेन टी प्लस फाइव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया हम लोग थ्री का दोनों मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसी प्रकार फाइव का हम बाहर दोनों के है, तो भैया दोनों में मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो वेरिएबल का है थ्री टी है, टेन टी है। चलिए इधर लेते आइए कि अगर थ्री टी माइनस टेन टी इजक्ल टू फाइव, तो इधर ही जाएगा, माइनस नाइन को इधर बुला लीजिए, माइनस नाइन है इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ इधर पर फोर्टीन आ गया, यहाँ पर आपका माइनस सेवनटी आ गया। तो पहले यहाँ से टी की वैल्यू क्या, यहाँ पे डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा हमारा फोर्टीन बाई माइनस सेवन आ जाएगा, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गया, यही आपका हो गया आंसर। तो पहले हम लोग क्या करें कि पहले हम लोग ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट के बारे में, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई डरने की हमें बात नहीं है, हमें अपना कंसेप्ट ध्यान रखना कि भैया सॉरी हमें कंसेप्ट ध्यान रखना वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ काम हो जाएगा। क्या दिया पहले तो 15 दिया है, वाई माइनस फोर दिया है, माइनस टू दिया है, वाई माइनस नाइन दिया है, प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स इजक्वल टू हमें जीरो दिया है। तो हम लोग क्या करें पहले तो बस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 15y माइनस 60 माइनस 2y प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू जीरो, नहीं बिल्कुल। तो पहले बस वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, यही हमारा तीनों वेरिएबल, यानी 15y हमारा माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू बताइए क्या होगा, माइनस 30। ठीक है, माइनस 30 यहाँ प्लस इधर जाएगा, माइनस 30 यहाँ पर, माइनस 60 है तो हमारा प्लस 60 प्लस 8 सॉरी माइनस 18। तो यही प्यारे बच्चों हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे, इसको माइनस करके इसको अपना करके सिंप्लीफाई करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका भी आंसर मुझे बताइएगा आप लोग कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग को आंसर तक पहुँचेगा जरूर, ठीक है, नहीं कि मैं भी छोड़ दे रहा हूँ तो आप लोग भी छोड़ दीजिए, गलत बात है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों अपना बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, नाइन्थ वाला आप लोग ट्राई करिए, अभी ट्राई करिए आप लोग, करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टेंथ के बारे में, उसको भी हम लोग होमवर्क वाले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया कि 0.25 और क्या दिया 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 और क्या पहले बच्चों दिया है 10f माइनस 9 दिया है प्याचो। बस इसमें क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करिए तो हमारा क्या है प्याचो, अच्छा ये बात है प्याचो, हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते, करिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जब प्यारे बच्चों इसमें करेंगे तो 25/100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4f माइनस 3 तो उसी तरीके से इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो 5/100 आ जाएगा इक्वल टू 10f माइनस 9 किया। मैंने क्यों किया प्यारे बच्चों, देखिए अगर हम पॉइंट वाला करें तो हमारा सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इस तरह हम लोग करेंगे तो हमारा सिंपलीफाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट के क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको 1/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है प्यारे बच्चों, 1/4 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू 1/20 10f माइनस 9 दे दिया, बहुत आसान। अब तो आसान हो गया, अब हम 1/4 का मल्टीप्लाई करते हैं कि 1/4 इंटू 4f माइनस 3/4 हमारा हो जाएगा इक्वल टू हमारा देखिए 10/20 हो जाएगा इंटू f हो जाएगा माइनस 9/20 हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों f माइनस 3/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9/20। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसको एक तरफ करके अपना सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक प्यारे बच्चों।